नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो पे टारगेट हिट करने की लगन, टारगेट हिट करने की राशि। काल पुरुष की कुंडली में सबसे ज्ञान परक राशि है गुरु की मूल त्रिकोण राशि, जिसका नाम है धनु राशि। धनु राशि के लिए एक बेहतरीन अवसर आया है, जिसको आप कह सकते हैं बुद्धि के द्वारा लॉटरी लगना। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा लॉटरी लगना। आपके मंगल देव उच्च के बहुत दिन से आए, लेकिन अभी उच्च के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और यह गोचरी स्थिति मार्च अंतिम सप्ताह तक रहेगी, 26-27 तारीख तक रहेगी। इसके बाद चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। किसके नक्षत्र में? राहु के नक्षत्र में। यह युति सेकंड हाउस में बन रही है। कहाँ बन रही है? सेकंड हाउस में। वाणी के घर में मंगल देव उच्च के हो रहे हैं। यह मंगल आपके पंचमेश हैं और साथ में आपके व्यय भाव के स्वामी भी हैं। तो व्यय भाव का स्वामी धन भाव के घर में उच्च का हो रहा है, तो व्यय करा देगा। या पंचमेश आपके सेकंड हाउस में उच्च के हो रहे हैं, तो अचानक धन लाभ दे देंगे। यही चर्चा का बिंदु होगा चंद मिनटों में। पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फिर आगे बढ़े। गुरु आपके भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र आपके लाभेश हैं। पॉइंट देखिए, कभी भी कुंडली में एक पॉइंट को लेके फाइनल चीज मत करिएगा। मान लीजिए मेरा हाथ बहुत अच्छा है, लेकिन आप मेरा दिमाग भी ठीक होना चाहिए ना, पैर भी ठीक होना चाहिए, तब मैं आप उपयोग कर पाऊंगा। एक पार्ट के ठीक होने से कुछ नहीं होता जब तक उसके सपोर्टिव दो पार्ट मजबूत ना हो। इसलिए आपको यहाँ पे आपके लग्नेश को देखना पड़ेगा। आपके जो लग्नेश महाराज हैं, ठीक है, उस समय भरणी नक्षत्र में है। भरणी मतलब शुक्र के नक्षत्र में है। यहाँ पे आपको अचानक धन लाभ, विदेश से नया अवसर। किसके द्वारा? वाणी के द्वारा। तो पॉइंट क्या है? वाणी को कहाँ पे उपयोग करना है, वाणी को कैसा उपयोग लाएंगे, वो आपके लिए लाभदायी होगा। पंचमेश उच्च के हो रहे हैं। इष्ट की कृपा से अचानक धन लाभ, इष्ट की कृपा से लॉटरी का योग। नहीं, लॉटरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा लॉटरी लगाने के लिए। इष्ट की कृपा से हो सकता है कुछ इंट्यूशन मिले। आपके कुंडली में कुछ केतु अच्छे हैं, राहु अच्छे हैं, तो इंट्यूशन देंगे कि आप इस शेयर को ले लीजिए या इस जगह लॉटरी लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा इंट्यूशन आता है तो आप लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं इसी में 26-27 मार्च तक। उसके बाद मत लगाइएगा, लाभ होगा। विद्या बुद्धि का विकास हो रहा है। कहीं आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इंटरव्यू में आपके सफल होने के चांसेस 100% है। 100% सफलता मिल रही है मित्र। आप कहीं ऐसी परीक्षा दे रहे, इसको बोलते हैं डिबेट करना, तो डिबेट करने से आपको लाभ होगा। वाणी इस समय आपकी प्रखर होगी, प्रखर ही नहीं होगी, तर्क युक्त होगी। वाणी के द्वारा आप शत्रु को दबा सकते हैं, शत्रुओं से लाभ ले सकते हैं वाणी के द्वारा। लेकिन यह संभव कब होगा? जब आप इष्ट की कृपा प्राप्त करेंगे। संतान अगर आपके कहीं इस समय एग्जाम दे रही है, तो संतान आपका द्रुत गति से करेगी विकास। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में वीजा लेना चाहते हैं, विदेश में आप अप्लाई करना चाहते हैं, डेफिनेटली अप्लाई करिए। फटाफट चीजें आपके सपोर्ट में आएंगी। क्या? फटाफट आएंगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें जिससे सुंदर फल मिले? तो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ठीक है, हनुमान चालीसा, हनुमान जी महाराज की आराधना करिए। आपके पंचमेश कौन है? आपका पंचमेश उच्च का हो रहा है, मतलब विद्या उच्च की होगी, बुद्धि उच्च की होगी, संतान उच्च की होगी, प्रेम उच्चता प्राप्त कर रहा है। जिससे आप प्रेम कर रहे हो ना, वो ऊंचाई छू रहा है, उसकी आप सहायता लीजिए, आप भी ऊंचाई छुएंगे। विदेश से अचानक लाभ होगा आपको, विदेश से अचानक आपको नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो अगर मिल रहे हैं तो उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए, उस पर लाभ होगा। गुरु भी भरने के बाद जा रहे हैं कृतिका में, काट के ठीक कर देंगे चीजों को। तो मंगल की जो गोचरी स्थिति है, हनुमान जी की कृपा लेके चलिए। थोड़ा सा इनको कुछ गुड़ चना और केला वगैरह खिलाते चलिए, चीज़ें ठीक होंगी। सबसे सुंदर उपाय हनुमान जी का आराधन करिए। हनुमान चालीसा का पाठ, भजन गवाण का पाठ करना,
अत्यंत शुभ परिणाम देगा। मंगल मतलब भाई, भाई से संबंध मधुर रखिए, चीजें बिल्कुल ठीक होंगी। जब हम भाई से संबंध मधुर नहीं रखते ना तो चीजें खराब हो जाती हैं। भाई मतलब मंगल, तो भाइयों से संबंध अच्छे रखिए। या आपके बाद मंगल भाई के घर में ही जा रहे हैं, उच्च के होके ही जा रहे हैं, तो आपके भाई को भी उच्चता मिलेगी, भाई भी बड़े की ओर बढ़ेगा। हाँ, शनि अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो भाई से तकरार भी कर देंगे। देखिए गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना, अगर गति को कंट्रोल नहीं करोगे तो गिर जाओगे, गति को कंट्रोल करोगे द्रुत गति से लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप लोग टारगेट हिट करने की लगन में हैं, कंसंट्रेट हैं, गिरने की संभावनाएं नहीं बनती। गुरु को मजबूत करके रखिएगा, येलो कलर का चंदन मस्तक कंठ नाभि में लगा के रखिएगा। भगवान, जिस भी भगवान की आराधना करते हैं इसमें येलो कलर के पुष्प उनके चरणों में चढ़ाना श्रेष्ठ परिणाम देगा। राधे राधे।